आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी के खिलाफ अब बीजेपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन कर रही है। आज सुबह बीजेपी का प्रदर्शन था बेंगलुरु में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर, लेकिन इस वक्त ये तस्वीरें आ रही हैं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर, दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, वहीं से तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर इस सर भी कर रहे हैं। सर आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि झूठ बोल रहे हैं आप लोग, क्योंकि बग्गा जी का जो ट्विटर है वो ऊपर से लेके नीचे तक झूठ है, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। ट्विटर छोटी बात है बिटिया, सबसे बड़ी बात है दस्तार का अपमान सिख नहीं सहेंगे। आम आदमी पार्टी यही तो कह रही है सर कि वो दस्तार पहनने को मना नहीं किया गया आम आदमी पार्टी। हाँ, वो फोटो देखिए ना, कहाँ दस्तार पहने थी, उनको बिना दस्तार के लेकर आए, उनके पिता कहते रहे दस्तार बांधने दो, उनके पिता की पिटाई की गई, यही तो सारा चर्चा है। तो देखिए विषय गिरफ्तारी का है ही नहीं, विषय आज बड़ा है कि एक सिख की दस्तार की अवहेलना की गई है। हमारे को सेक्शन 25 टू बी हमको संविधान के अनुसार दस्तार पहनने का अधिकार देता है, वो अधिकार हमसे छीना गया है, उसकी अवहेलना की गई है, हम इसको संवैधानिक अवहेलना का मानते हैं, ये संविधान को उन्होंने तोड़ा है। लेकिन आरपीएस जी आम आदमी पार्टी के उनको सूचित किया गया था, 5 बार उनको समन भेजा गया। अरे वो सब बेटा वो सब बातें छोटी हैं, वो अपहरण करने आए वो सूचना दी नहीं दी, हमारा आज का मुद्दा है कि एक सिख को दस्तार क्यों नहीं बांधी दी, उनके पिताजी ने गुहार लगाई, रिक्वेस्ट करी कि इसको पटका या दस्तार बांधने दो, सिर पे कपड़ा रखने दो, उनको पीटा गया सर इसलिए कि वो चाहते थे उनका बेटा घर से बाहर जाए तो दस्तार बांध कर जाए। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं एक दंगे कराने वाले के साथ पूरी बीजेपी। मनीष सिसोदिया पूछो निशा सिंह कौन है, अंसारी कौन है, या वो अंसार कौन है वो बताए पहले, तारू हुसैन कौन है ये बताए पहले। तो देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं सीएम आवास से कुछ मीटर दूर। देखिए अब डिटेन कर दिया गया आदेश गुप्ता उधर खड़े हुए हैं। तो इस वक्त ये तस्वीरें आ रही हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से, जहां बीजेपी अपना प्रदर्शन करने पहुंची है और साथ ही उनके साथ है सिख समुदाय के लोग। आरपी सिंह बीजेपी के लीडर जब हमारी संवाददाता अजातिका से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आज का प्रदर्शन इस बात पर है कि जब पंजाब पुलिस के ऑफिसर तेजिंदर बग्गा को अरेस्ट करने के लिए पहुंचे तो उन्हें उनकी पगड़ी तक नहीं पहनने दी और ये अपमान है सिख समुदाय का, और इसी के चलते आज पूरा समुदाय बीजेपी के नेताओं के साथ अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो है बेंगलुरु की, वहां भी आज दोपहर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और फिर उसके बाद कुछ लोगों को पुलिस लेकर चली गई वहां से। लेकिन हालात दोनों ही तरफ एक जैसे हैं, भारी तादाद में बीजेपी के प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए बेंगलुरु में आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर, और वहीं दूसरी तरफ इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।